अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ईद का तीसरा दिन और मैं हो गई हूँ तैयार। आज ना मैंने अपना ये जो है ना ग्रीन कलर का सूट पहना है, ये मेहंदी ग्रीन कलर का है। और ये देखिए, ये है मेरी चूड़ियाँ, ये देखिए। और ये ना बिल्कुल न्यू है मेरी, अभी मैं लेकर आई थी रमज़ानों में, क्योंकि मेरे इस सूट पे की ना चूड़ियाँ नहीं थी। मैं गोल्डन कलर का बैंगल्स मतलब कंगनों वाला सेट लेकर आई थी, बैंगल्स नहीं लेकर आई थी। तो ये है, और मैंने अपनी ये ना मल्टी कलर की झुमकियाँ डाल ली हैं, और ये मेरी रिंग्स वगैरह मैंने डाल ली, कुछ रिंग्स, और मैं हो गई हूँ रेडी कुछ इस तरह से। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो जी ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। ये सूट ना मेरा रखा ही रहता है, ज़्यादातर जो है ना मेरे जितने भी सूट हैं वो सब रखे रहते हैं, पहनने का जो है ना मौका ही नहीं मिलता है, तो इस वजह से। तो मैंने इस जो है ना तीसरी ईद पे यही पहन लिया है, और आफिफा ने ये पहना है, इसको मैंने अभी दिखाया ही है आपको, तो अभी दिखाया नहीं है, दिखाऊंगी। आफिफा भी हो गई है रेडी, और हमज़ा आफिफा भी जो है ना रेडी हो गए हैं। और हमज़ा ने देखिए ये पहना है अपना कुर्ता पजामा, जो कि इसने ना परसों थोड़ी देर ही पहना था और उतार दिया था। और इन्होंने भी अपना जो है ना फिर से ये कुर्ता पजामा ही पहन लिया, क्योंकि कल भी थोड़ी देर के लिए पहना था, इतनी देर के लिए कि अम्मी के घर गए थे, और परसों भी जो है ना थोड़े टाइम के लिए ही पहना था, तो इन्होंने फिर ये पहन लिया। अच्छा, इन्होंने पैंट शर्ट नहीं पहनी है, क्योंकि इनको जो है ना कुर्ते पजामे में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। और होता भी है ऐसा, क्योंकि अब गर्मी जो है ना अच्छे से पड़ने लगी है, काफ़ी अच्छी तेज़ गर्मी पड़ने लगी है परसों से, ईद वाले दिन से ना अच्छी खासी ना गर्मी पड़ रही है। और जैसे कि नए कपड़े पहनते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, नए कपड़ों में ना लगती ही है, तो अच्छी तेज़ धूप भी निकल आई है, और वो भी। और फ्रेंड्स देखिए, आफिफा भी तैयार हो गई है। आफिफा का मैं जो है ना फाइनल लुक अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो हो गए हैं हम मम्मा बेटी तैयार दोनों। तो आज मैं सोच रही हूँ कहीं जाने की, कि मैं अपनी दोस्त के यहाँ जाऊँगी, तो उसके यहाँ मैं गई भी नहीं हूँ अभी, और काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, तो बस अब आखिरी दिन है ईद का, तो आज मैं जाऊंगी। और दिन भर कोई वीडियो शूट नहीं किया, दिन भर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आज ना ये अपने काम पर चले गए थे अपने काम पर, और फिर उसके बाद में करीब 6:30 बजे आए, और फिर जो है प्रोग्राम बना कि चलो चलते हैं कहीं घूमने के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन जो है ना मैं घर में ही रही। और घर में रहने के बाद में मैंने क्या किया, जितने भी अपने न्यू कपड़े थे वो कल वॉश किए थे मैंने, तो वो सारे जो है ना उठाने के बाद में सबको फोल्ड किया, अलमारी में लगाया, और सब चीज़ें मतलब ना मैंने सेट कर दी हैं, अलमारी वगैरह सब दिखाऊंगी मैं आपको। और जितने भी कल परसों के जो ज्वेलरी वगैरह मेकअप का सब सामान जो है ना ऐसे ही हो जाता है, फैल जाता है, जब हम लेडीज़ों का इतना सारा सामान होता है वो सब फैल जाता है, तो वो सारा मैंने जो है ना उठा कर रखा, तो घर जो है ना मैसी हो गया था, जैसे कि सारी चीज़ें फैली हुई थी, नए कपड़े वगैरह और सब चीज़ें, तो वो सब समेट कर रखी हैं। और अब इंशाल्लाह जो है ईद के बाद डेली रूटीन ही आएगा मेरा, अब तो ईद निपट ही गई है, लास्ट डे है। और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, तो बस अब कल से परसों से जो है अपना डेली रूटीन ही स्टार्ट हो जाएगा, तो डेली रूटीन के ही ब्लॉग आएंगे। तो बस आज लास्ट डे है, तो हमने सोचा चलो इसको लास्ट डे को भी जो है ना अच्छे से मना लेते हैं, क्योंकि ईद सिर्फ साल में एक जो है ना एक बार ही आती है, और यही दिन होते हैं। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सभी को जो है ईद साथ खैर के आए, और अल्लाह ताला फिलिस्तीन के जितने भी मुसलमान हैं उन सब की अल्लाह हिफाजत करे, और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, तो प्लीज़ उन सब के लिए दुआ करना, और अल्लाह ताला उनकी सारी तमाम परेशानियों को दूर करे, और अल्लाह उनकी हिफाजत करे। तो बहुत दिल दुखता है ये जब फिलिस्तीन के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं ना, बहुत तकलीफ़ होती है। तो खैर जी, चलिए अब मैं इस वीडियो को रोकूँगी, और कहाँ कहाँ चलते हैं देखेंगे। सब लोग तैयार बैठे हैं, हमज़ा भी, और हमज़ा के अब्बू भी, और आफिफा और मैं भी, तो बस चलिए चलते हैं।
और फ्रेंड्स देखिए ये है अफीफा का ड्रेस। इसने ना वन टाइम पहना था पिछले साल अपने बर्थडे पर, और ना मैं इसके बर्थडे पर ही लेकर आई थी इस ड्रेस को। ये थोड़ा सा बड़ा था तो इस वजह से ना इसने पहना नहीं था, ये ऐसा का ऐसा ही रखा था। करीब एक डेढ़ घंटा पहना था, उसके बाद पहना ही नहीं, आज पहना है इसने सेकंड टाइम। और ये देखिए माशाल्लाह से ना आज अफीफा बहुत क्यूट लग रही है, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे पोज भी दे रही है। कल ना मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, कल वाले वीडियो में ना बिल्कुल सीधी सीधी सी खड़ी थी एकदम पुतली की तरह, तो मैंने उसको समझाया कि बेटा थोड़ा सा बात किया करो, थोड़ा सा मुस्कुराया करो, अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स ये है हमजा का कुर्ता पजामा, कल वाले वीडियो में ना मैंने आपको दिखाया नहीं था तो आज मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए कैसा लग रहा है हमजा, हमजा भी बिल्कुल पुतली की तरह सीधा सीधा सा खड़ा हो जाता है। इससे कितना भी मैं बोलूँ मुस्कुरा दो भाई, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, थोड़ा सा हंस दे, मुस्कुरा दे, लेकिन देखिए तो फ्रेंड्स ये देखिए हमजा का कुर्ता पजामा। और ये ना बिल्कुल वीडियो में आती हुए ना बहुत मतलब शर्माता है, बिल्कुल अब वीडियो में आना नहीं चाहता है, जबरदस्ती से जो है ना खींच खाच कर लेकर आना पड़ता है तब आता है। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना ताला लगा रहे हैं, घर को लॉक कर रहे हैं, और अब उन्होंने जो है ताला लगा दिया है और हम सभी लोग निकल रहे हैं। तो मैं पूरी फैमिली के साथ में ना जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पर, काफ़ी टाइम से नहीं गई थी तो मैंने सोचा चलो आज ईद का लास्ट डे भी है और मौका भी है तो चलो चलते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे अपनी फ्रेंड्स के यहाँ आए हुए, और मैंने जाते ही जो है ना वीडियो शूट नहीं किया था। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि फ़ौरन से जाओ और फ़ौरन से ही जो है ना कैमरा निकाल लो और वीडियो शूट करना शुरू कर दो। तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे आए हुए, ढेर सारी हमने बातें भी की हैं। और ये देखिए हमारा नाश्ता लग गया है, आ जाइए फ्रेंड्स आप सभी हमारे साथ में नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता हमारा हो गया है और यहाँ देखिए हम सभी लोग जो है ना बैठे हैं मिलजुल कर बातें कर रहे हैं सब आपस में, और खूब ढेर सारी यहाँ हमारी मस्ती चल रही है। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और जो है ना मैं ना इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, ये भी करती है, और इसके बच्चे ना बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बहुत शरारती हैं, बहुत जो है ना नोटी है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद में ना कुछ टाइम के लिए ना सब कुछ ऐसा हो जाता है कि भूल ही जाती हूँ सारी टेंशन है। और ये देखिए ये दोनों जो है ना इसके बेटे हैं, एक छोटा बेटा है और ये जो मेरी बराबर में बैठा है ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए ना, ये इसका बड़ा बेटा है। और यहाँ हमारी चल रही है काफ़ी सारी बातें, और देखिए इसका जो ये बेटा है ना, ये देखिए इस तरह से ना उंगलियों को बिल्कुल ऐसे पीछे को ले जाकर जो है ना मिला देता है। और मैं यही कह रही हूँ कि मैं इसको जो है ना मैं डांट रही हूँ कि ऐसा मत कर, कहीं तेरी उंगलियों में चोटने लग जाए, तो वो भी कह रही है कि नहीं ये तो ऐसी करता ही है, इसकी उंगलियां ना ऐसी मिल जाती हैं सारी, पता नहीं इसकी उंगलियों में हड्डी नहीं है क्या, वो भी बोल रही है कि पता नहीं मुझे लगता है कि इसकी उंगलियों में हड्डी नहीं है। तो खैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उंगलियों में हड्डी ना हो, तो मैं वो जो है ना बड़ी हैरत से मतलब देख रही हूँ कि ऐसा कैसे कर लेता है ये। और जीभ को भी जो है ना फुला फुला कर दिखा रहा था काफ़ी मोटी करके, पता नहीं किस चीज़ की तरह बता रहा था कि मैं उसकी तरह ना जीभ को भी फुला लेता हूँ, तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको वीडियो में। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं आज जो है ना अपनी फ्रेंड से बोल रही हूँ कि मैं ना तेरे सामने बहुत मोटी लग रही हूँ, तो वो मुझसे यही कह रही है कि तू तो शुरू से ही जो है ना मोटी है। असल में मैं और मेरी फ्रेंड्स जो है ना हम बचपन के ही दोस्त हैं, एक साथ हम लोग स्कूल पढ़े और एक साथ ही हम जो है ना जब छोटे छोटे से थे तो पारा पढ़ने जाते थे, एक साथ ही हमने जो है कुरान पढ़ा, और तो और हमने सिलाई जो है ना एक ही सेंटर में सीखी है, तो सारे काम ना हमारे एक साथ ही चले हैं, तो ये मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। और ये देखिए इसका छोटा बेटा जो है ना बहुत क्यूट है, बहुत शरारती है, और बहुत जो है ना अच्छी अच्छी मतलब जो है आप लोगों को पोज भी दे रहा है और आपको हाय भी बोल रहा है। और जी देखिए यहाँ आ गया है अब हमज़ा के पास में, और हमज़ा से जो है ना इसकी बहुत बनती है, बस हमज़ा इससे ही जो है ना बात कर लेता है। और यहाँ चल रही है हमारी ढेर सारी मस्तियाँ, तो ये देखिए हमज़ा और जो है ना उसका नाम भी हमज़ा है, पता है मेरी फ्रेंड का बेटे का जो छोटा वाला बेटा है ना उसका नाम भी हमज़ा है, और इसका नाम है बड़े वाले का फरहान। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए जीभ को किस तरह से ना इतनी मोटी कर लेता है, फुला लेता है, अल्लाह ही जाने पता नहीं कैसे ये सब ऐसे कर लेता है। तो यहाँ मैं इसको यही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा दिखा, मैं तुझे ना अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। और ये देखिए इस तरह से उंगलियाँ भी जो है ना इस तरह से पीछे को ऐसे मिला लेता है, पता नहीं कैसे कर लेता है। तो मेरी फ्रेंड भी कर रही थी, उसकी भी नहीं हुई, और मैंने करके देखा तो मेरी भी नहीं हुई, लेकिन बस इसी के हो जाती है उंगली अंगूठियाँ सब पीछे से ऐसे मिला लेता है। और फिर हमने बहुत टाइम यहाँ जो है गुजारा काफ़ी टाइम तक, और मैंने अपनी फ्रेंड के बच्चों को ईदी भी दी, लेकिन वीडियो में शूट नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद आ गए हम अपने घर, तो जी आ गए हैं हम अपने घर, और घर आने के बाद में मैंने एक कड़क सी चाय बनाई, और चाय बनाकर ना वो पी,
पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ भी ना करें कहीं जाएं तो थकान हो जाती है, ऐसा मेरे साथ में होता है। तो खैर बहुत इंजॉय किया मैंने अपनी दोस्त के यहाँ पर, और काफ़ी दिनों के बाद गई थी। अच्छा उसके बच्चे जो है ना बड़े क्यूट से हैं, वो जो इतने शरारती हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं और बहुत मज़े की सबने बहुत ज़्यादा। और बस अब ईद जो है हमारी निपट गई है, लास्ट डे था आज, वो भी बहुत अच्छे से गुजर गया है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के तीनों दिन ना बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े किए और बहुत अच्छा लगा। और फुर्सत की अगर मैं बताऊँ ना तो फुर्सत तो बिल्कुल ही नहीं मिली, और बिल्कुल मतलब फुर्सत नहीं मिली, बहुत बिज़ी रही हूँ मैं इन तीन से चार दिनों तक ना बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स बच्चे जो है ना सो गए हैं, हमज़ा को तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि वो ईद के तीनों दिन ना पूरा दिन उस घूमा है, पूरा दिन जो है उसने इंजॉय किया है, फुल इंजॉय किया है। और अब ये देखिए थककर जो है ना वो पूरी तरह से सो गया है। और बस तो खैर बच्चे तो आते ही सो गए थे, हमज़ा आफिफा दोनों ही, और मैं और ये जो है जाग रहे हैं। तो आप चाय पीने का मन था तो चाय तो हमारी हो गई है। और फ्रेंड्स कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ये ब्लॉग, बहुत छोटा सा ही ब्लॉग है मेरा ये, तो कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनी दुआओं में मुझे ख़ास करके याद रखना, ठीक है। और बस अब मैं इस वीडियो को भी अपने यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा ये छोटू सा मस्ती भरा ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और जी अब जो है ईद छीद तो हमारी बढ़िया से अच्छे से निपट गई है, अब जो आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जो है ना वो डेली रूटीन ही आएंगे। तो खैर बस डेली रूटीन ही आएंगे, और आपको किस तरह के ब्लॉग देखने हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं ब्लॉग देखने ब्लॉग में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, आप जितनी भी मेरी यूट्यूबर्स हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, उन सभी को, और हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली को, तो खैर मैं अपनी बहनों से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ इसलिए ना उन्हीं का नाम ज़्यादा जो है ना निकलता है। तो खैर मेरी पूरी जो है ना पूरी YouTube फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है, और पूरी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जो है ईद मुबारक एक बार फिर से, ईद का लास्ट डे बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी ईद बहुत अच्छे से गुजरी, आप लोगों की कैसी गुजरी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो बस अब मैं इस वीडियो को अपने यहीं पर एंड करूँगी, और बस बहुत बहुत ज़्यादा दुआ और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करना, और ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। तो जी बस अब मैं इस वीडियो को करती हूँ अपने यहीं पर एंड, मिलूँगी अपने एक अच्छे प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।